चुनाव की तैयारियों को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने शनिवार के दिन अमरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इन्होंने कहा कि चुनाव में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हाल में फरार वारंटी, चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के लोगों को चिन्हित करते हुए छापेमारी अभियान चलाते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। शराबी एवं शराब माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसा जा रहा है। मौके पर उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा किया गया है। हर बूथों पर निरीक्षण किया जा रहा है। फुल्ली डूमर एवं अमरपुर थाने में 1500 लोगों पर 107 किया गया है। दो दिनों के अंदर बॉन्ड भरकर थाने से 107 का जमानत करवा ले। अगर जमानत नहीं करवाई गई तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। अमरपुर थाने में 7 लोगों पर CCA लगाई गई है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई है जहां पूरी सघनता के साथ वाहनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में फोर्स पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर बकील प्रसाद यादव, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, फुल्ली डुमर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, शंभुगंज थाना अध्यक्ष उमेश प्रसाद, अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, अवर निरीक्षक राजीव रंजन, रमाशंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव यादव, जमशेद खान समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। रजौन थाना क्षेत्र के नवादा बाजार सहायक थाना स्थित गोपालपुर पोखर टोला के समीप धान खेत में दोपहर करीब 34 वर्षीय एक विधवा महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि दिन दहाड़े दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर महिला की हत्या करके उसके शव को खेत में फेंक दिया गया। सबकी पहचान गोपालपुर गांव के स्वर्गीय वासुदेव मंडल की 34 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही सहायक थाना नवादा बाजार थानाध्यक्ष नसीम खान व रजौन सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं पोस्टमार्टम में भेजने की कोशिश करने लगे। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर स्वजन व ग्रामीण पुलिस का विरोध करने लगे। मृतिका के स्वजन SP नहीं आने तक शव को उठाने नहीं दे रहे थे। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस शव को लेकर थाने आए। दिन दहाड़े विधवा की हत्या को लेकर इलाके में लोगों की भीड़ थाने पर जुट गई। मृतिका सुनैना देवी शुक्रवार की सुबह से ही घर से निकली थी। दोपहर करीब 2 बजे हत्या का पता चला। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ गलत नियत से दुष्कर्म के उपरांत तेजाब छिड़क कर एवं मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतिका के शरीर व पीठ पर जख्म एवं मारपीट आदि के कई निशान से तेजाब छिड़क कर हत्या की आशंका है। मृतिका का पति वासुदेव मंडल का करीब 1.5 दशक पूर्व निधन हो चुका है। दिन दहाड़े हत्या के कारणों का कोई स्पष्ट पता अभी नहीं चल पा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम मेडिकल टीम गठित होने के उपरांत रिपोर्ट के बाद ही हत्या व उसके कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष एवं ग्रामीण इलाकों के प्रबुद्धजनों के समझाने बुझाने के बाद सबको पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए राजी हो गए। किस जगह मिला था सर? अच्छा, तो आप लोग को कैसे पता चला? ये खेत आई थी, ये काम कर रही थी, तो आप लोग को कैसे पता चला? जो आई गई यहीं थी। अच्छा, तुम ही देखी थी? अच्छा, इनका बेटी है? सबसे पहले अच्छा इनकी बेटी है यही ना। तुमको कैसे पता चला बाबू? कैसे पता चला? गौला कहने गया? कब तुम आई यहाँ देखने मम्मी को अपना? बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जहां सौतेली मां ने अपने सौतेले 6 वर्षीय पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक बालमुकुंद तांती का 6 वर्षीय पुत्र सोहित कुमार बताया गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को होते ही ग्रामीण आक्रोशित होकर महिला को घर में बंद कर दिया। घटना की जानकारी थाने में दी गई। सूचना मिलते ही बांका SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, अमरपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राजीव रंजन, उमाशंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक जमशेद खान पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया एवं महिला को गिरफ्तार करते हुए थाना परिसर लाया गया। गिरफ्तार महिला बालमुकुंद तांती की दूसरी पत्नी सुमन देवी बताई गई। मृतक बालक के दादा भूदेव तांती से मिली जानकारी के अनुसार बालमुकुंद तांती की पहली पत्नी की 2 वर्ष पहले बीमारी से मौत हो गई थी। बालमुकुंद की पहली पत्नी से 2 जुड़वा बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे की परवरिश कजरेली थाना क्षेत्र के महारथोचक गाँव में रह रही फुआ करती थी। दूसरा बच्चा सोहित अपने दादा दादी के पास रहता था। बच्चे की परवरिश के लिए बालमुकुंद ने भागलपुर जिला के बिनरौद बढ़ड़ी गांव में सुमन देवी के साथ विवाह किया था।
विवाह के बाद सौतेली माँ की नजर में सोहित कांटे की तरह चुभ रहा था। मौका पाकर सौतेली माँ ने शुक्रवार के दिन सोहित की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि हालांकि प्रतिदिन बच्चे को इनके दादा दादी अपने साथ खेत पर ले जाते थे, शुक्रवार के दिन शायद इनके दादा और दादी बच्चों को खेत पर ले जाना भूल गए और मौका देखकर इनकी सौतेली माँ ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर ग्रामीणों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए हत्यारिन सौतेली माँ को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्चे की हत्या मामले में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक बच्चे के पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। पति पत्नी दोनों उसका दुल्हा भी कमाने के लिए गया। अच्छा, उसके बाद ये घटना कर दी घर में उसकी पत्नी। हाँ अच्छा, पहले जो था उसको दादी लेके साथ जाता था, लेकिन आए ना उसको नहीं लेगा तो सौतेली माँ थी ना। हाँ सौतेली माँ, जब आया वहाँ से तो देखा था दादा दादी की मरा हुआ है। महिला फरार थी? नहीं, महिला में घर में थी, फरार का है। अच्छा, तो महिला को गिरफ्तार किया? हाँ गिरफ्तार कर। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम नहीं जानते। की नाम जो करे अबरे पकड़ लगा जगरा। यूपी की हाथरस में हुई घटना को लेकर बांका की महिलाओं में काफी उबाल देखा गया। शनिवार को प्रगतिशील महिला संघर्ष मोर्चा बिहार, खैरा लोकमंच बिहार एवं प्रगतिशील दलित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ गुलबंद होकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथरस गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने एवं दलित आदिवासी विरोधी योगी सरकार को होश में आने के नारे लगा रहे थे। महिलाएं विभिन्न नारों वाली तख्तियां लिए आक्रोश व्यक्त कर रही थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महेश लाल बिसरा, सूरज खेरा, संजू देवी, शांति देवी, हिरमुनी हेम्ब्रम, गांधी जी, शकुना देवी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी माँ एवं बहनें सुरक्षित नहीं है। दलितों एवं आदिवासियों के साथ सरकार सौतेलापन कर रही है। नेताओं ने यूपी सरकार पर भी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने यूपी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने एवं गैंग रेप के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग की। साथ ही कहा कि योगी सरकार गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ब्राह्मण विरोधी एवं महिला विरोधी है, इसलिए केंद्र सरकार से ऐसे सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में राजेश खेरा, राजरानी देवी, माला देवी, बेसमी देवी, कुंती देवी, मंजू देवी, उमा देवी, शंकर राय, मुनिया देवी समेत दर्जनों महिलाएं एवं युवक मौजूद थे। क्या मांग है आप लोग का, किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जो महिला पर अत्याचार जो कर रहा है यूपी में हाँ, वही का विरोध का प्रदर्शन है कि उसको हमको जो बलात्कार किया है उसको फांसी चाहिए। आप लोग का मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए? हाँ फांसी होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ वीडियो किस लिए बैठाया, यहाँ पर पुलिस किस लिए रखा है, घुसखोर रखा है, किस लिए थी महिला को सुरक्षा के लिए, जनता को लिए बैठे हैं कि ऐसे गुंडा करने के लिए बैठे हैं? किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? यही बलात्कार का हमको फांसी देने को। कहाँ बलात्कार हुआ है? यूपी में। हाँ हाथरस में जो हुआ है। हाँ जी, उसी के लिए आप बोल रहे हैं आप लोग कि उसको फांसी दिया जाए? हाँ फांसी दिया जाए। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है बलात्कारों को फांसी दे। हाँ, और इसका बलात्कार जो किया है उसको फांसी दे। कहाँ बलात्कार किया है? हाथरस में? यूपी। हाँ हाथरस में जो बलात्कार किया है जी, हाँ जी, यूपी में। हाँ हाँ, उसी के विरोध में? उसी के विरोध में। हाँ, आप लोग का क्या कहना है उसके विरोध में? उसका जो मामला जो किया है, बलात्कार जो किया है, उसको फांसी का सजा दिया जाए। बांका समाहर्ता के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी बांका की उपस्थिति में जिले के विभिन्न थानों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसके तहत पंजवारा थाना में जब्त, बेलहर थाना में जब्त, खेसर थाने में जब्त एवं अमरपुर थाने में जब्त 440.100 लीटर देसी एवं 43.185 लीटर विदेशी एवं 483.285 लीटर शराब ड्रेन आउच विधि से नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विनिष्टीकरण की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस अवसर पर उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य पुलिस बल उपस्थित थे।